स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी मेरा। का खर्चा बंद, साबुन मत खरीदो, बहुत फालतू खर्चा। एक साबुन 15 रुपए का 100 ग्राम आता है, 150 रुपए किलो। आप बोलोगे नहाएं कैसे, फोकट में नहाओ ना बिना साबुन के। बिना साबुन के कैसे नहाते मालूम है? घर में तौलिया है, तौलिया उसको पानी में भिगो लो, निचोड़ो और खूब कस के रगड़ो और पानी से नहा लो, कोई खर्चा नहीं। फिर आप कहेंगे पसीने की बदबू आती है, उसके लिए दूसरा रास्ता बताता हूं। नींबू का छिलका है ना, जिसका रस निकाल दिया उसको उल्टा करके खूब रगड़ो शरीर में, पानी से नहा लो, एकदम खुशबू आती है। और नहाने का एक तरीका बताता हूं। अपने देश में एक महाशिवरात्रि त्योहार आता है, शंकर जी को उस दिन स्नान कराते हैं, किससे? दूध से कि लाइफ बॉय से? पता है शंकर जी लक्स लगाते हैं? नहीं ना, शंकर जी दूध से नहाते हैं। क्यों? सोचा कभी क्यों? मैंने सोचा ये शंकर जी दूध से क्यों नहाते हैं, भक्त लोग साबुन से नहाते हैं, भगवान जी को दूध से नहलाते हैं। दूध से इसलिए नहाते हैं कि दूध सबसे अच्छे तरीके से शरीर का मैल निकालता है। दूध को हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट, सफाई करने वाला। आप एक दिन ऐसा करना, दूध लेना थोड़ा कच्चा, उसको चेहरे में लगाना, फिर रुई से चेहरे को पोंछना, रुई एकदम काली काली हो जाए। कैसे? आपने दूध लगाया, गंदगी सब बाहर आ गई, रुई से पोंछा, रुई पे आ गई। माने गंदगी निकालने का काम दूध करता है, तो शरीर में भी दूध लगाएं, गंदगी निकल जाएगी। समझ में आया? अपने भारत में किसी बुजुर्ग के पांव छुओ तो क्या कहते हैं? दूधो नहाओ। कभी किसी ने यह कहा लक्स लगाओ पूतों फलो? कहा किसी ने? नहीं, सब लोग कहते हैं दूधो नहाओ। तो मान तो लो उनकी बात, दूध से नहाओ। आप बोलेंगे बड़ा खर्चा होगा, साबुन से कम खर्चा होता है दूध से नहाने में। मैं बहुत बार नहा के देखा, 2-3 चम्मच दूध लगता है, उसको शरीर में मालिश कर लो तेल की तरह से, फिर पानी से नहा लो, गंदगी सब निकल जाती है। और दूध से नहाओ ना तो त्वचा एकदम मुलायम रहती है, सॉफ्ट रहती है। और जिनकी त्वचा मुलायम है, नरम है, उनको कभी फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ती, तो उसका भी खर्चा बचेगा। ठीक है, नहाओगे दूध से? अब दूध से नहाएंगे तो दूध की बिक्री बढ़ेगी कि घटेगी? तो पैसा किसानों को मिलेगा, तो जानवर पलेंगे, तो देश का विकास का काम होगा। समझ गए? नहीं तो चने के आटे से नहाओ, बेसन से। थोड़ा बेसन ले लो, दूध मिला लो, पेस्ट बनेगा,